क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है करा जा रहा और इसका एक इंटरनेशनल स्तर पे एक गलत मैसेज जा रहा है इसका। और सारे के सारे बाहर से तो आ रहे, हम भी जर्मनी से आ रहे, यहाँ से हम ही क्या अंके हैं। अयोध्या में जन्म स्थल है, उससे पहले कहीं और था है। भाई आ क्यों गए वे पहले ही? और देखो उनको जांच कर लो कौन कौन है, वे अभी पता चला गया, उनका तो पहले से ही पता होगा। ये तो एक पॉलिटिकल वो चल रहा है इशू। और सारे कागज पत्थर बड़े यहीं इसमें कचहरी के गेट पे, यहीं कहीं का ही आईडी बनवा लो आप, यहीं बन जाओ। मुझे फोन कर भाई, मुझे फोन कर को रोंग गया, लगभग 50 परिवार मुझे फोन कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई, तो लोकल पुलिस को पता होगा, प्रशासन को पता होगा उनका, हमें तो जानकारी है नहीं। तो कल से जिस तरह से माहौल चल रहा है, देखो इससे विकास रुकता है, इससे झगड़े बढ़ते हैं, नफरतें बढ़ती हैं इस चीज़ों से। अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना आ गया, फसलों के रेट ठीक हो, रोजगार ठीक मिले, उन पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन का जो ये है, ये तो पॉलिटिकल इशू हो ज़्यादातर, तो उस पर काम करें। अपना तो LIU और इंटेलिजेंस है उसमें, तो ये काम करें भाई। यहाँ रह रहे भी अभी रह रहे या पहले से ही रह रहे? भाई बुलडोजर तो ठीक है, वो तो ठीक काम करे, अगर वो नफरत के उससे ना चले तो ठीक है, उसके बगैर तो विकास नहीं होता। रास्ते बहुत कटिंग हो रहे हैं और रास्ते बढ़ जाए उस पर चले। और जिस अधिकारी के कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है उसका भी देख लो एक बार, उनकी जांच हो जाए तो कम से कम आगे तो रुक जाए, अतिक्रमण ना हो। राकेश जी, पहले कानून का सहारा लेना चाहिए, संविधान का सहारा लेना चाहिए, संविधान के लोकतंत्र है, संविधान पे चलता है, लेकिन पहले बुलडोजर का सहारा। हाँ, पहले बुलडोजर का ही सहारा चले भाई, संविधान तो अलमारी में बंद है, उसे पढ़ागा कौन? जब उन्होंने पढ़ी नहीं रखा तो पढ़ागा कौन उसको? हम तो निभा ही रहे भाई भूमिका। 13 महीने आंदोलन चला, अजय टेनी जेल से रिहा हुआ, शायद आज जा सके फिर वो आशीष टेनी। हम तो निभा रहे, जो किसान के इशू है, मजदूर के हैं, गांव के हैं, उस पर भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे पॉलिसी आएगी, 3 महीने में उनको सिलेंडर कर दो, मेरठ में आएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। अब भाई पहले 10 साल पुराने जो BJP वाले लोग हैं, सरकार के लोग हैं, पहले भी सिलेंडर कर दें, आ गया जनता बाद को देख लेगी। उसको क्या पता, आप बैठा दिया होगा आगे, हमारी मशीनरी है इधर ठीक कर दो। अब बुलडोजर तो एक ही चला, ये ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में, उनते बड़े घबराए थे दिल्ली में। होगा कभी ना कभी इसका ट्रैक्टर से ही मुकाबला होगा हमारे सामने, जिस दिन ये ट्रैक्टर बंद करने पड़ेंगे ना। ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इन्हें बंद कर दो ट्रैक्टर को और इनको सिलेंडर कर दो, तो ये आवेंगे सड़क पर निकल के, फिर आवेंगे सड़कों पर।